जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में होमगार्ड भर्ती घोटाला, हरियाणा में अब होमगार्ड भर्ती घोटाला सामने आया है। लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने होमगार्ड को काया मुक्त कर नई भर्ती पर रोक लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके विभाग में होमगार्ड के खाली पद भर लिए गए और लगभग सभी पद भरे जा चुके हैं। पर्दे के पीछे चल रहे इस गुपचुप खेल का खुलासा अब हुआ है, जब हरियाणा के कई जिलों में सरकार के पास शिकायतें पहुंची और खुद गृह मंत्री ने इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। होमगार्ड विभाग में जवानों के लिए 1405 के लगभग स्वीकृत पद हैं। राज्य सरकार होमगार्ड जवानों के वेतन में बढ़ोतरी भी कर चुकी है, ऐसे में बेरोजगार युवाओं में होमगार्ड लगने के लिए भी ओढ़ लगी रहती है। प्रदेश सरकार ने होमगार्ड भर्ती के लिए नियम भी बनाए गए हैं। सरकार ने आबादी, जरूरत व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से जिलावार होमगार्ड के पद स्वीकृत किए गए। सबसे अधिक होमगार्ड जवान गुरुग्राम जिले में लगते हैं। राज्य के अधिकांश शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने होमगार्ड की नियुक्ति लगाई गई है। इसी तरह से आरटीए दफ्तरों के अलावा भीड़ वाले कई अन्य सरकारी कार्यालयों में इनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर है, इसमें आप देख सकते हैं एलवीज का भी बयान है कि कई जिलों में होमगार्ड जवानों के पदों पर भर्ती में धांधली की शिकायतें मिली है। होमगार्ड जवानों की नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगाई हुई है, फिर नौकरी कैसे दी गई, भर्ती जवानों का जिलावार ब्यौरा तलब कर लिया गया है। तो बड़ा एक्शन है ये, देखिएगा, बहुत बड़ी जानकारी हमें मिली है। तो ये इससे रिलेटेड आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।